जो खीर नहीं खाया वो मनुष्य योनि में पैदा होने का पूर्ण फायदा नहीं उठाया। कहते हैं कि बॉलीवुड में बिना किसी गॉडफादर के काम पाना मुश्किल होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल होता बॉलीवुड में सफल हो पाना और अपनी एक जगह बना लेना। बिहार के गोपालगंज में जन्मे और दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अदाकारी के गुण सीख पंकज त्रिपाठी ने इन सभी बातों को झूठा करार दिया है। हाल ही में रिलीज हुई हिंदी फिल्म न्यूटन में पंकज त्रिपाठी ने एक सेनाकर्मी का रोल अदा किया है, जिसे बहुत ही सराहा जा रहा है। पंकज त्रिपाठी ने हिंदी फिल्मों में शुरुआत साल 2004 में की। हिंदी फीचर इंडस्ट्री में पंकज त्रिपाठी ने अपना डेब्यू साल 2004 में आई फिल्म रोमांटिक फिल्म रन से किया था। इसके बाद पंकज ने साल 2006 में आई फिल्म ओंकारा, साल 2012 में आई फिल्मों गैंग्स ऑफ वासेपुर एवं दबंग दो और फिर फटे मांझी गुड़गांव आदि फिल्मों में अपनी अदाकारी का जादू बिखेरा। पिता डॉक्टर बनाना चाहते थे। पंकज त्रिपाठी के पिता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन पंकज त्रिपाठी का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। गांव में सरस्वती पूजा के दौरान पंकज त्रिपाठी लड़की का रोल निभाते थे, जिस पर लोग टिप्पणी भी करते थे, लेकिन पंकज किसी की भी बात पर कोई ध्यान नहीं देते थे। अनेकों फिल्मों और सीरियल्स में काम किया। वह अब तक 40 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं। पंकज बताते हैं कि उन्होंने 60 से अधिक सीरियलों में कई किरदार निभाए हैं। चंद पलों की मुलाकात में प्यार और फिर शादी। पंकज त्रिपाठी की एक बार पटना से कोलकाता जाते समय एक लड़की से मुलाकात हुई। चंद पलों की बातों में ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने के लिए शादी करने का फैसला किया। पिता नाराज हुए और फिर मान गए। पंकज ने घर में जब लव मैरिज करने की बात करनी चाही तो उनके पिता काफी गुस्सा हो गए थे। पंकज की जिद के बाद पिता और माँ ने शादी की सहमति दे दी और इस तरह से पंकज त्रिपाठी का प्रेम परवान चढ़ा और उनकी शादी हो गई।